Hello and welcome to Learning and Education Space and Fasl. Students, today we're going to do Hadith number 12 and 13. Last time we did Hadith number 11. It's been quite a while though, but like just that I was kind of a bit busy in the past few weeks. That's why I could not do all those videos. This is the continuation of the videos regarding our Hadith for Special Study, Paper 2, and this is video number 7. So let's start with Hadith number 12. Okay, the teaching, translation of the hadith is, the Messenger sallallahu alayhi wa sallam of Allah sent Abu Musa radiyallahu ta'ala anhu and Muaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu to Yemen. And he sent each of them to govern apart. Then he said, be gentle and do not be hard and cause rejoicing and do not alienate. हदीस का मतलब समझ लेना बहुत जरूरी होता है कि वंस यू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग इट बिकम्स वेरी इजीयर फॉर यू टू एक्सप्लेन इट इन योर ओन वर्ड्स. टीचिंग पार्ट वही है जो उसमें आप जो हदीस बता रही जो मैं सिखा रही दैट इज द टीचिंग पार्ट ऑफ इट. सो आपको यू हैव टू बी स्पेसिफिक अबाउट दैट. टीचिंग में आपने टीचिंग पार्ट ही लिखना होता है. आपने टीचिंग में ये नहीं लिखना कि किस तरह से आप इसके पर अमल करते हैं बिकॉज दैट इज द एक्शन पार्ट ऑफ इट. ठीक है. सो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दो सहाबा किराम को भेजा यमन और क्या इंटेंशन थी कि वो दोनों एक एक पार्ट को गवर्न करेंगे. गवर्न करने का मतलब है ऑब्वियसली जो गवर्न वही करते हैं जो हेड करते हैं किसी स्टेट को किसी पार्ट को किसी सिटी को. वो बेसिकली एक तरह से लीडर होता. अब उन्होंने उनको क्या इंस्ट्रक्शंस दी यही सीखना यही इसकी टीचिंग है. ठीक है. तो रूलर्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं इस हदीस में. बी जेंटल डू नॉट बी हार्ड के जेंटल रहो अच्छे अच्छे पोलाइट रहो नरम रहो लोगों के साथ उनके साथ सख्ती का रवैया ना अख्तियार करो. एंड कॉज रिजॉइसिंग लोगों के लिए आसानियां पैदा करो लोगों को खुश करो. एंड डू नॉट एलिनेट. एलिनेट का मतलब होता है किसी को उसके हाल पे छोड़ देना. लेट समवन ऑन हिज ओन. ओके सो दैट इज नॉट व्हाट अ लीडर इज एक्सपेक्टेड टू डू इन टर्म्स ऑफ हिज बिहेवियर टुवर्ड्स हिज कम्युनिटी. ठीक है. तो किसी को एलिनेट नहीं करना एज अ लीडर बल्कि उनको उनके लिए आसानी पैदा करनी. तो यही टीचिंग है इसकी. अच्छा टीचिंग आप इसके समझ लेते हैं इसके मीनिंग से. वंस यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ हदीस ट्रांसलेशन इट बिकम्स इजीयर फॉर यू टू राइट अबाउट इट्स टीचिंग पार्ट. ठीक है. सो लेट्स गो अहेड अबाउट द टीचिंग पार्ट ऑफ इट. अच्छा इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है. यू नॉट एक्सपेक्टेड टू राइट एग्जैक्टली व्हाट आई हैव यू नो व्हाट आई हैव गिवन यू ओवर हियर टू यू इन टर्म्स ऑफ योर यू नो राइटिंग ऑफ दिस हदीस. इट्स जस्ट दैट इट्स अप टू यू. कोई कैम्ब्रिज की तरह से किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है. कोई सख्ती वाला मामला नहीं है. राइटिंग वही है जो आपके लिए लिखना आसान हो. दैट इज द बेस्ट वे फॉर यू टू गो अबाउट इट. ओके सो आप अपनी मर्जी के वर्ड्स अपने वे ऑफ राइटिंग यू कैन पिक अप ऑन दैट इन द स्पेसिफिक यू नो फॉर्मेट ऑफ योर राइटिंग. सो डोंट वरी अबाउट दैट. जो भी आपको जिस तरह से आपको बेहतर लगता है उस तरह से लिखें. दिस guides the rulers of the community to do good with the people of the community. The rulers are advised to be kind and treat people in a polite way. So, pehli baat to ek rulers ke liye guidelines kya hai ki apne logon ke sath accha kare to do good. Theek hai. Pehli baat kya hai to do good. Ab is baat ko apne apne sentence mein kis tarah se likhna hai it's up to you. Rulers are advised to be kind logon ke sath. Second baat kya hai logon ke sath kind hona and treat people with in a polite way. तो लोगों के साथ एक बात ही नरमी के तरीके से पेश आना. ये इसके अंदर दो बातें आ गई. अब furthermore governance जो होती है वो govern से related है. किसी खास मकसद के लिए आपको point किया जाता है कि आप take care करें एक खास area की किसी area की किसी state की किसी city की. ठीक है. तो वो जो governor होता है वो govern करता है. So governance seems to be a source of benefit to the people and not a source of oppression and tyranny. The governance ka jo main purpose hai wo logon ke liye aasani paida karna hai logon ke benefits ke liye kaam karna hai logon ki welfare ke liye kaam karna. That is the purpose of governance. Theek hai. Theek hai. To aur governance jo hai na wo ek source of oppression nahi hona chahiye tyranny nahi hona chahiye. Oppression tyranny kehte hain zulm ko. ठीक है. तो गवर्नेंस का कोई ताल्लुक ही नहीं है ऑपरेशन से टायरनी से. ठीक है. आइडियल वे ऑफ गवर्नेंस जो कि इस्लाम जिसकी बात करता है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके बारे में बात की है. ठीक है. लेट्स कंटिन्यू द टीचिंग पार्ट ऑफ इट. रूलर्स एक्सपेक्टेड टू बी ऑनेस्ट एंड शो सिंसियर कंसर्न फॉर द कम्युनिटी दे गवर्न. रूलर्स एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ऑनेस्ट हों ईमानदार हों और सिंसियर कंसर्न हों सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए
चीजें बना देना और इंटरेस्ट अपना होना, ठीक है, तो दैट इज नॉट द यू नो आइडियल वे ऑफ गवर्निंग, यू नो गवर्निंग इन टर्म्स इन द साइट ऑफ इस्लाम, ठीक है। तो ये कोई तरीका नहीं है कि आप सिर्फ अपने लोगों को शोशा के लिए दिखा दें, चीजें बना बना के, जी हमने ये बना दिया, हमने वो बना दिया। एंड ऑफ द डे यू नॉट डूइंग समथिंग विद सिंसियर इंटेंशन, ठीक है, आप सिंसियर कंसर्न शो नहीं कर रहे लोगों के लिए, ठीक है। तो लोगों की बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक जो फैसिलिटीज होती है वो प्रोवाइड करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी रूलर और लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। सो सिंसियर कंसर्न जो है वो शो करना जरूरी है, जो भी वो जहां भी वो गवर्नेंस करें। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक और हदीस में कहा, सही बुखारी की रिवायत है, गिव ईज एंड नॉट कंटेंप्ट, गिव ट्रैंक्विलिटी एंड नॉट ऑप्रेशन, ठीक है। लोगों के लिए आसानी पैदा करें, उनके लिए मुसीबत ना बने, उनके लिए जो है ना वो उनको हरास ना करें, कॉन्टेंप्ट ना शो करें उनके खिलाफ, उनको जो है ना वो आप प्रोसिक्यूट ना करें, एंड गिव ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है सुकून, पीसफुल, पीसफुल, यू नो पीस, आराम, सुकून से रिलेटेड है ट्रैंक्विलिटी। ये पॉपुलरिज्म का कि लोगों के लिए, लोगों को सुकून दें और उनको ऑप्रेस ना करें, उनको उन पर जुल्म ना करें, ठीक है, उनको डराएं धमकाएं ना, उनको ऑप्रेशन का शिकार ना करें। तो ये हदीस आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं एज अ रेफरेंस, अगर आपके पास कोई और हदीस है एज अ रेफरेंस। बट रिमेम्बर, व्हाटएवर यू डू ओवर हियर इन टर्म्स ऑफ, जहां पे आपने अपनी किसी बात को करना होता है, आप कहते हैं सॉलिड बनाना होता है बात को, अपनी बात को इतना ज्यादा, यानी कि थोड़ी सी उसको आपने सपोर्ट करना होता है अपनी बात को, तो वहां पे आप हदीस का रेफरेंस कोट करते हैं। अब जो हदीस का रेफरेंस आप कोट करते हैं वो आपका रेलिवेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ पे कोई ऐसी हदीस का रेफरेंस दे देंगे, होगी तो वो हदीस, लेकिन वो इस बात से रेलेवेंट नहीं होगी जो बात हम कर रहे हैं इस हदीस के हवाले से, टीचिंग के हवाले से, तो उसका उसकी कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। ये बात आपके माइंड में इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी बात, ठीक है। रेलेवेंस एंड टू द पॉइंट, बात जो हो रही है उसके बाद उसके मुताबिक आपने रेफरेंस देना, और टू द पॉइंट, सिंपल से छोटा सा, छोटी सी हदीस का रेफरेंस है। अच्छा चलें जी, लेट्स गो अहेड अबाउट द एक्शन पार्ट ऑफ इट। अब आपने एक्ट कैसे करना है इस हदीस के अंदर, ठीक है, इस हदीस के हवाले से, how a ruler is supposed to act in this in the light of this hadith, ठीक है। so that's what's gonna you know talk about over here. rulers should work for the welfare of the community. they must engage themselves in the service of their subjects. they should work their best to provide basic facilities for the survival of their people. अब rulers को क्या चाहिए कि वो लोगों की welfare के लिए काम करें, पहला point ये आ गया। फिर वो अपने आप को एंगेज रखें किस चीज में, लोगों की सर्विस में, उनके सब्जेक्ट। एक रूलर होता है, रूलर मींस जो कि रूल कर रहा है, और सब्जेक्ट जिस वो होता है जिसके पर रूल किया जा रहा है, ठीक है। तो उनको चाहिए कि वो अपने आप को एंगेज रखें अपने सब्जेक्ट की सर्विस के लिए, ठीक है, यानी कि उनको सर्व करने के लिए, उनकी उनके वेलफेयर के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके कामों के लिए, जो उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करें, यही तो काम है। दे शुड वर्क देयर बेस्ट टू प्रोवाइड बेसिक। अच्छा ये बेसिकली आप वही बात है कि आप सबसे पहले क्या करते हैं as a welfare state, आप लोगों की basic facilities को पूरा करते हैं। That is the you know first and foremost aim of any ruling you know authority of any state. क्यों? क्योंकि लोग survive कर सकें, लोग survive करेंगे तो ही वो उनकी एक state जो है वो you know at peace आएंगे। वो अगर survive नहीं कर पाएंगे तो at peace नहीं होगा, definitely उस society में anarchy फैल जाएगी, जो है society एक अजीब सी स्टेट में आ जाएगी जहां पे वो लोगों को सुकून ही नहीं होगा, तो वो कैसे यू नो एक प्रॉपर पीसफुल सोसाइटी कैसे बनेगी। तो उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले बेसिक फैसिलिटीज आप लोगों की पूरी करें। दे मस्ट इंश्योर द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ इट्स कम्युनिटी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं किसी भी वेलफेयर, अगर आप वेलफेयर स्टेट को उठा के देख लें दुनिया में कहीं पे भी है, तो वो उनका बेसिक पर्पज ये होता है कि वो लोगों की बेसिक फैसिलिटीज को पूरा करते हैं, उनकी हेल्थ, उनकी सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। उसके बाद रूलर्स मस्ट इंप्लीमेंट द सिस्टम ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है, ये आप कह सकते हैं कि सबसे पहले भी आप इसको कह सकते हैं कि जस्टिस यानी कि इंसाफ और इक्वालिटी, और इक्वालिटी बराबरी, यानी कि किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन ना हो, अमीर गरीब में कोई फर्क ना हो, स्टेटस की वजह से लोगों में फर्क ना डाला जाए। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके इसके फायदा क्या होगा, इन ऑर्डर टू कॉम्बैट ऑप्रेशन एंड करप्शन। इससे क्या फायदा होगा, जो सोसाइटी के अंदर किसी किस्म का ऑप्रेशन चल रहा है, जुल्म चल रहा है, करप्शन चल रही है, उसको आप कॉम्बैट कर सकेंगे, उनके उसके खिलाफ लड़ सकेंगे।
जस्टिस के जरिए और इक्वालिटी के जरिए. रूलर शुड बी अप्रोचेबल एंड ऑफ इजी डिस्पोजिशन एज एंडोर्स्ड इन द सिटी. रूलर को अप्रोचेबल होना चाहिए. रूलर का ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में कि रूलर इतना इतना फार हो जाए अपने सब्जेक्ट से कि सब्जेक्ट वहां पहुंच ही ना पाए. रूलर तक अपनी किसी कंप्लेन को लेके, अपनी किसी किसी बात को लेके पहुंच ही ना पाए, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. ठीक है, अगर ये यू नो इट्स प्रॉब्ली द कॉन्सेप्ट ऑफ सम अदर यू नो सम अदर स्कूल ऑफ थॉट. इट्स नॉट द कॉन्सेप्ट इन इस्लाम कि आप रूलर रूलर इतना मुश्किल है कि एक आम इंसान से कुछ छोटा सा मसला है, बड़ा सा मसला है, कोई मसला है, वो रूलर के पास जा ही ना सके. ठीक है, तो ये जरूरी है कि रूलर को अप्रोचेबल होना चाहिए और इजी डिस्पोजिशन यानी कि अच्छे मैनर वाला होना चाहिए, इजी डिस्पोजिशन वाला होना चाहिए, अच्छा उसका बिहेवियर होना चाहिए. ये ना हो कि लोग उसे डरें बात करते हुए, फिर क्या फायदा इस रूलर का. तो ये हदीस में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात एंडोर्स की है, इस बात को कहा है. शेल आई नॉट टेल यू हु इज डिस्टेंट फ्रॉम हेल एंड फ्रॉम होम हेल इज डिस्टेंट. तो मैं तुम्हें ना बताऊं कि जो जहन्नम से दूर है और जिससे जहन्नम दूर है. Everyone who is gentle and kind, हर कोई जो कि gentle है और kind. सबसे पहले बात तो believe होना, believer होना बहुत जरूरी है. उसके बाद ये आता है कि इंसान gentle हो, kind हो, approachable हो. आपको approach करना लोगों के लिए आसान हो, end of an easy disposition. और आप और nature wise आप अच्छे हो, आप behavior wise अपने अच्छे हो, disposition आपकी ऐसी हो कि लोगों के लिए मुश्किल ना हो कि आपको आपके पास आते हुए वो घबराएं. ठीक है, so that is the action part of it. Okay, let's move on to the hadith number 13. Okay, so hadith number 13 is, he who studies the Quran is like the owner of tethered camels. Bandhe hue oont, theek hai, jo bandhe hue oont hote hain, ropes ke sath bandha hua hota hai oont ko, theek hai, oonton ko. Jo Quran padhne wala hai, wo kaisa hai, wo aisa hi jaise ki malik ho bandhe hue oonton ka. If he attends to them, he will keep hold of them. Ab jab agar unko attend karta rahega to wo unko उनके उसके पास रहेंगे. बट इफ ही लेट्स देम लूज, लेकिन अगर उनको छोड़ देगा, दे विल गो, तो वो चले जाएंगे. ठीक है, तो कुरान के एग्जांपल देके बताया कि अगर तो कोई बिलीवर कुरान के साथ इंटैक्ट रहेगा, उसको अटेंड करता रहेगा, उसको पढ़ता रहेगा, समझता रहेगा, उस पर अमल करता रहेगा और इसके पैगाम को लोगों तक पहुंचाता रहेगा, तो वही एक रास्ता है कि आप कुरान के साथ, कुरान आपके साथ, आप कुरान के साथ और कुरान आपके साथ इंटैक्ट रहेगा. ठीक है, ये एक बेसिकली कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग होली कुरान की रीडिंग, रेसिटेशन, अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग्स, इंप्लीमेंटिंग इट्स मीनिंग इन योर मीनिंग्स इन योर एवरीडे लाइफ प्रैक्टिकली. ठीक है, एंड देन ऑब्वियसली स्प्रेडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, दैट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी बिलीवर. तो उससे रिलेटेड ये हदीस है. इसको समझ लेने के बाद इसकी टीचिंग को लिख लेना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है. ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अपने अपने यू नो अपने अपने माइंड को यूज करना है. बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए चीज के बारे में, हदीस के बारे में, एंड देन यू विल राइट ऑन. कोई जरूरत नहीं है किसी भी हदीस की टीचिंग और एक्शन को याद करने की. उसको समझ लो, सिर्फ समझ के उसको अपने वर्ड्स में लिख लो, लेकिन समझना बहुत जरूरी है. समझ लोगे, हाँ आपको कुछ रेफरेंस याद करने पड़ेंगे, ऑब्वियसली आई कांट से मच अबाउट दैट, वो आपको याद करने पड़ेंगे पड़ेंगे. अगर आपने वो ऑब्वियसली रेफरेंस कोट करने होते हैं, which would definitely give value to your marks. ठीक है, तो वो आपको करने पड़ेंगे, उसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट करनी पड़ेगी. बिसाइड्स दैट, हदीस में आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है. लेट्स टॉक अबाउट द टीचिंग पार्ट ऑफ इट. दिस हदीस टॉक्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ स्ट्रॉन्ग लिंक विद द होली कुरान फॉर द बिलीवर्स. एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक होना चाहिए होली कुरान के साथ बिलीवर्स का. द टीचिंग ऑफ द कुरान आर अ सोर्स ऑफ गाइडेंस फॉर ऑल द बिलीवर्स एंड कैन बी वेरी क्विकली फॉरगॉटन इन केस ऑफ अ केयरलेसनेस इन स्टेइंग इन टच विद द कुरान. अब जो कुरान की टीचिंग्स है बहुत ही यू नो इज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस, एक रहनुमाई का जरिया है बिलीवर्स के लिए, और बहुत जल्दी इसके भूलने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत जल्दी भूल जाती हैं टीचिंग्स अगर हम किसी किस्म की लापरवाही बरतेंगे कुरान के साथ इंटैक्ट रहने में. बिलीवर्स आर इनकरेज्ड टू रीड, लर्न, प्रैक्टिस एंड स्प्रेड द वर्ड ऑफ गॉड इन ऑर्डर टू स्टे ऑन द राइट पाथ. तो बिलीवर्स को इनकरेज किया है इस हदीस में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो कुरान पाक को रीड करें, इसको लर्न करें, इसको प्रैक्टिस करें अपनी लाइफ में, इसकी जो कमांडमेंट्स हैं, इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो बिकॉज कुरान इज लाइक इट टॉक्स अबाउट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. इंसान की जिंदगी के हर मामले के बारे में कुरान बात करता है. तो इसको प्रैक्टिस करना, ऑब्वियसली इसके लिए प्रैक्टिस के लिए पहले रीडिंग,
learning जरूरी है एंड देन यू प्रैक्टिस दैट इन योर लाइफ एंड देन ऑब्वियसली यू आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू स्प्रेड द वर्ड ऑफ गॉड सो दैट यू स्टे ऑन द राइट पाथ ठीक है होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कीप ऑन रिसाइटिंग द कुरान फॉर बाय हिम इन हूज हैंड माय लाइफ इज Quran runs away, is forgotten faster than camels that are released from their ropes. ठीक है? तो ये Prophet ﷺ ने कहा कि आप Quran पढ़ते रहे क्योंकि Quran इंसान के लिए ये ऐसे ही है जैसे कोई बंधे हुए रस्सियों से बंधे हुए ऊंट अगर उनको छोड़ा जाए तो वो भाग जाते हैं इसी तरह Quran अगर आप नहीं पढ़ेंगे नहीं समझेंगे तो वो भी आप उसको भूल जाएंगे बुखारी शरीफ की ये रिवायत है Action part of this hadith is believers can act in their life. This hadith by doing regular recitation of the Quran. आपके लिए action क्या है? आपने action कैसे करना है इस hadith के बारे में? आप regular recitation करें Quran पाक की. They should understand its meanings and try to implement its teaching in their everyday life. उनको चाहिए कि वो समझें इसके meanings को और उनको implement करें उसकी teachings को अपनी life में. Moreover, it is a duty of a believer to spread the word of God to the masses so that no one remain unaware of its teachings. So, ये उसके साथ साथ ये भी duty है believers की कि वो अल्लाह के इस कलाम को फैलाएं, spread the word of God to the masses, लोगों तक, ठीक है? So that no one remain unaware, ताकि कोई भी unaware ना रहे इसकी teachings के साथ, teachings से, ठीक है? So the Holy Prophet صلى الله عليه وسلم said, one who has nothing in the Quran within him is like a desolate house. जिसके अंदर कुरान का कुछ भी नहीं यानी कि कोई भी हिस्सा जिसके अंदर कुरान पाक का नहीं है तो वो ऐसा ही है जैसे एक बंजर घर सो दैट्स प्रीटी मच ऑल अबाउट टुडेस यू नो टुडेस लेसन वी कैन से दैट टुडेस टुडे वी हैव डन अ कपल ऑफ अहदीस रिमेंबर दैट वी डन विद हदीस नंबर 12 एंड 13 वी गोना मूव ऑन टू द नेक्स्ट हदीस नेक्स्ट लेसन इफ यू गॉट एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग यू नो टुडेस लेसन और इन द प्रीवियस लेसन वी हैव डन सो फॉर प्लीज फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गेट बैक टू ऑन दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गुड बाय